इस बस से दोस्तों दिल्ली से आगरा जाएंगे हम। बाकी यहाँ पे थोड़ा नाश्ता पानी करने के लिए, चाय पानी के लिए रुके हैं। तो पहाड़गंज में है दोस्तों, तो होटल वगैरह यहीं पे लेंगे, आज यहीं स्टे करेंगे। दिल्ली दोस्तों चल रहे हैं हम आगरा से, हम अब देखते हैं आगे कौन सी डिस्टेंस होती है तो वहाँ पर जाएँगे। वैसे अभी दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, बाकी बताते हैं आगे जाके आपको कहाँ के लिए, पर आगरा से हम निकल चुके हैं। तो दोस्तों बस स्टैंड जाने के लिए हमने ऑटो लिया है, तो वहाँ से हम बस लेंगे दिल्ली के लिए। तो इस गाड़ी दोस्तों जाएंगे, आपको अंदर से दिखाता हूँ कैसी बस है। आप देख सकते हो बाहर से कुछ ऐसे है, तो अंदर से दिखाता हूँ। राज कल्पना की ये दोस्तों बस है, देखने में अच्छी है, आप देख सकते हो ठीक ठाक है। कहाँ पे बैठे हैं? सीट है दोस्तों, अब आगे से जा रहे हैं दिल्ली। अच्छी है बस, ऐसी बस है, ठीक है। 400 रुपये भाड़ा है इसका और 3.5 घंटे बोल रहे हैं। बाकी देखो कितना टाइम लगता है। और मेरे साथ मेरे भाई कर रहे हैं, भाई साथ में हम दोनों जा रहे हैं। बाकी दोस्तों 4 बजे का टाइम है और 3.5 घंटे जो बोल रहे हैं कि पहुंचा देगी, बाकी देखो कितना टाइम लगता है। अभी तो बस चली नहीं है, तो अभी देखते हैं कितने बजे हमें दिल्ली में पहुंचाएगी ये बस। बाकी दोस्तों बस चल पड़ी है, 4 बजे बोल रहे थे, 4:10 पे चली है। अब ये देखते हैं जी हमें कितने बजे पहुंचाती है दिल्ली में। बाकी आप देख सकते हो बाकी डेवलपमेंट तो काफ़ी है यहाँ आगरा में, आप देख सकते हो सड़कें वगैरह यहाँ की काफ़ी साफ है, और आप देख सकते हो। मैं तो दोस्तों फर्स्ट टाइम आया था आगरा, अच्छा लगा यहाँ पर आके। आगरा का ताजमहल वगैरह देखा, आपने भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने ताजमहल की वीडियो डाली हुई है और आगरा के और भी काफ़ी चीज़ें मैंने दिखाई हुई है। बाकी दोस्तों ट्रैफिक बहुत है अभी, आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक। ट्रैफिक के कारण दोस्तों लगता है टाइम ज़्यादा लग जाएगा हमको आज। ये ट्रैफिक के कारण लगता है टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बाकी तो देखो अभी ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। दोस्तों बार बार रोक रही है, पता नहीं कब पहुंचाएगी ये। मैं तो वैसे ही बस का सफ़र करता नहीं, तो अभी ये रोकी हुई है बस, पता नहीं कब चलेगी। साउथ
3.5 घंटे बोल रहे हैं, मुझे तो लगता है जो 7 घंटे में पहुँचाएगी, डबल ही कर देगी काम, जिस हिसाब से बस को रोक रहे हैं बार बार। बाकी ये टोल प्लाजा आ गया यहाँ का, इनकी टोल की पर्ची वगैरह कटाई उन्होंने, अब चल पड़े हैं फिर दोबारा। बस का सफ़र ज़्यादातर कर नहीं पाता दोस्तों मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का सफ़र मैं कर सकता हूँ बस का। मेरे साथ भाई साहब और बोलते हैं बस से चलते हैं, मैंने बोला ट्रेन से चलते हैं, पर वो बोलते हैं चलो बस से आज सफ़र करते हैं, देखो कैसी जर्नी रहती है। इन्होंने बोला 3.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, पर मुझे लगता नहीं है 3.5 घंटे में। अभी थोड़ा स्पीड पकड़ा है, बाकी देखते हैं क्या होता। पाँच बज के 12 मिनट हो गए, आप देख सकते हो 1 घंटे करीब हो गया है। तो अभी दोस्तों रुकी है बस ये मथुरा में, तो यहाँ पे 15-20 मिनट रुकेगी, 15-20 मिनट के बाद फिर चलेगी बस। 3.5 घंटे बोला था इन्होंने, मेरे को लगता है ये बच जाएंगे 4-5 घंटे। बाकी यहाँ पे थोड़ा नाश्ता पानी करने के लिए, चाय पानी के लिए रुके हैं। दिल्ली दोस्तों पहुँच गया दिल्ली में, 3.5 घंटे बोला था यहाँ, 5.5 घंटे लग गए, पहले तो बस हो गई दोस्तों बैठे बैठे। चलो फिलहाल पहुँच गए हैं, अब आगे देखते हैं कहाँ जाना है। ये बस थी जितनी हमारी, आप देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों रात हो चुकी है, तो अभी सोच रहे हैं कि यहाँ दिल्ली में स्टे करेंगे, तो हमने ऑटो लिया है। तो पहाड़गंज में हम रुकेंगे, तो दिल्ली के पहाड़गंज में चलते हैं और आपको पहाड़गंज भी दिखाएंगे, वहाँ पर रात में कैसा लगता है देखने में। दिन की वीडियो हमने दी है मेरी पिछली, तो आपको रात में दिखाते हैं कि पहाड़गंज कैसा लगता है देखने में। रात का टाइम है, काफ़ी ट्रैफिक है, दिल्ली है राजधानी है इंडिया की दोस्तों, ट्रैफिक तो होगा ही। तो पहाड़गंज में है दोस्तों, तो होटल वगैरह यहीं पे लेंगे आज, यहीं स्टे करेंगे। तो बाकी आप देखो पहाड़गंज, रात में तो काफ़ी रौनक है दोस्तों, आप देख सकते हैं पहाड़गंज। वाह, तो यहीं पे दोस्तों हॉस्टल वगैरह या होटल वगैरह हम लेंगे, तो वहीं पे जा रहे हैं अभी। ये जो रास्ते में होटल वगैरह बोलते हैं ना, होटल ले लो बोलते, ये गड़बड़ी होता दोस्तों, तो थोड़ा स्कैम हो जाता है, इसलिए मैं कभी दिया नहीं ऐसे। बाकी देखो दोस्तों पहाड़गंज पूरा जगमगाता हुआ पहाड़गंज है, होटल वगैरह यहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे, हॉस्टल होटल, शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं वो भी कर लोगे। तो हमने होटल अपना ऑनलाइन बुक किया, तो उसी की लोकेशन में जा रहे हैं हम। बाकी जब तक आप देखो पहाड़गंज, यहाँ पे दोस्तों आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, जब भी पहाड़गंज में आते हो तो हर एक सामान आपको मिल जाएगा जो भी आप लेना चाहते हो। पहाड़गंज की मार्केट काफ़ी मशहूर है दिल्ली में, तो लोग शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो यहीं पे आते। बाकी यहाँ पे आपको काफ़ी फॉरेनर घूमते हुए दिख जाएंगे, तो क्राउड वगैरह हमेशा दोस्तों यहाँ पर होता है।
तो दिल्ली में आते हो तो होटल वगैरह ज़्यादातर दोस्तों आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, जहाँ की आपको सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा होटल देखने को मिल जाएगा। अगर हॉस्टल वगैरह ना जाए तो हॉस्टल वगैरह भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी जब यहाँ पे आप वॉक करते हो तो आपको कई लोग यहाँ पे मिलेंगे कि आपको बोलेंगे होटल वगैरह लेने के लिए, होटल ले लो, तो थोड़ा ध्यान से दोस्तों, वो आपको 500 का बोलेंगे, वहाँ जाके 1000 ले लेंगे, ऐसे काफ़ी मतलब कि बच के रहो। आप कोशिश करो कि वहाँ पे होटल में जाके खुद डील करो। कितनी दूर पे होटल, कितना कितना मतलब बता रहा अभी होटल गूगल पे? यही है तो ये हॉस्टल है कोई हमने जो देखा था ऑनलाइन। अगर पसंद आया तो यहीं पे रहेंगे, नहीं तो कहीं और से देखेंगे। सर पहले भी यहाँ पे आया हूँ। दोस्तों जो होटल हमने ऑनलाइन बुक किया था वो थोड़ा हमें कम्फर्टेबल नहीं लगा, तो हम कहीं और स्टे करेंगे, तो होटल ढूंढते हैं। यहाँ भी हम स्टे करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक थी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।